सर इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में कितने ऑफिसर बैठे होते हैं जो सवाल कर रहे होते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू में कौन-कौन से सवाल किए जाते हैं? इंटरव्यू में आपके पास मतलब एक ही बंदा होता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, वो डिपेंड है एनआरओ पे, जो भी बिठा दे वो सेक्रेटरी को बिठा दे या उस वहाँ का सेंटर एनआरओ का जो कमांडेंट ऑफिसर है उसको बिठा दे। और इंटरव्यू में यार बहुत बेसिक सवाल होते हैं, आपका अपना नाम वो तो उनको पता होता है, लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहे होते हैं ना, क्योंकि आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो आपका सवाल होता है आपके सिबलिंग्स का, होता है कि आप कितने भाई बहन हो, और उसके अलावा आपका होता है वालदेन का होता है कि जिंदा हैं या क्या है, मतलब वो पहले आप बता दो। और मतलब यही होता है बेसिक सवाल। और उसमें जो है ना कोई आपको जो है ना पूछ लेते हैं कि भाई आपकी मैट्रिक की परसेंटेज क्या है, सवाल आपके मतलब कि कितनी मार्क्स हैं आपकी, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, मतलब आप प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती इंटरव्यू की। तो हाँ और अगर आपको जो है ना कोई ऑफिसर उनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर ले, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर ले अंदर इंटरव्यू में कि भाई ये बता दो वो बता दो 7 का क्यूब बता दो, और अगर एक रेलगाड़ी जो है वो उसकी स्पीड इतनी है, इतनी रफ्तार से जा रही है, तो इतने किलोमीटर इतने टाइम में कितने किलोमीटर कवर करेगी, फिजिक्स का सवाल है ये। अच्छा, ज्यादातर तो ये नहीं पूछते। नहीं ये नहीं पूछते, अब ये बंदे के लक के ऊपर होता है कि जिससे पूछ ले जिससे नहीं पूछ ले।